गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे आपको पता है सेंट जेवियर हाई स्कूल गैलरी नंबर 5 बाराबटी कटक में हम लोग का पिछले 2 दिन से एक्टिविटी चल रहा है। पहले स्टैंडर्ड 5 और कल था हम लोग का स्टैंडर्ड 6 का और आज मेरे साथ है स्टैंडर्ड 7 के स्टूडेंट्स। ये जो एक्टिविटी ओटीओ कैंटीन की तरफ से है ये एक फ्री ट्रेनिंग वर्कशॉप है। तो आज इनका जो पेंटिंग है वो है लैंडस्केप ऑन कैनवस। तो कैनवस पेंटिंग कुछ बच्चों को फर्स्ट टाइम सीखने को मिलेगा, कुछ बच्चों ने पहले ट्राई किया था, तो देखते हैं उनका कैनवस पेंटिंग कैसे वो कर रहे हैं, उनको कितना मजा आ रहा है, क्या कैसे कर रहे हैं, देखते हैं। ये देखिए आज स्टैंडर्ड 7 के स्टूडेंट्स कैनवस पेंटिंग कर रहे हैं। उनको पहले पूछते हैं क्या आपने पहले कैनवस पेंटिंग कभी किया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैनवास पेंटिंग कैसे करते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रत्युषा पटेल। कैसा लग रहा है आज कैनवास पेंटिंग करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, नई चीज सीख रही हूँ। हाँ, तो आप इसके ऊपर अभी क्या कलर लगा रहे हो वो थोड़ा दिखा दो। तो ये बॉक्स दिखाओ कौन सा कलर है। कैमेल फैब्रिक का एक्रेलिक कलर। आपका नाम क्या है? ओके, तो आप कैनवास पेंटिंग फर्स्ट टाइम कर रही हो? तो मजा आने वाला है आगे, है ना? तो आप भी कलर कर रहे हो। अभी सबको बताया गया है कि उनका बेस कलर जो है वो है ब्लू एंड ग्रीन कलर वो कर रहे हैं। तो इनको पूछते हैं आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आगे और भी अच्छा लगेगा क्योंकि कैनवास पेंटिंग जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया है ना। तो देखिए सबका हाथ चल रहा है, सब अपना अपना कैनवास पे पेंटिंग कर रहे हैं ब्लू एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन का जो उनको बताया गया है वो अभी कर रहे हैं। बॉयज इधर देखो, तो कैनवास पेंटिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हो? तो ये कैनवास पेंटिंग जो है, कैनवास एक कपड़ा होता है और कपड़े के ऊपर जो कैनवास के ऊपर एक्रेलिक कलर से काम किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कैनवास पेंटिंग कर रहे हैं अभी। तो आपका क्या कलर यूज कर रहे हो अभी? दिखाओ बॉक्स दिखाओ। ओके, आप भी दिखाओ। चलो वेरी गुड। तो आप सबको एक न्यू आइडिया आज मिलने वाला है कैनवास पेंटिंग का। क्या नाम है आपका? तो आप बताइए ये एक्टिविटी के बारे में कैसा क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और फर्स्ट टाइम कर रही हूं एक्टिविटी। ओके, बहुत कुछ आगे सीखने को मिलेगा। ये देखिए कैनवास पेंटिंग हो गया है और ये कैनवास पेंटिंग एक फ्लावर गार्डन। तो आज आप देखिए कितना सुंदर कैनवास पेंटिंग बन गया। मैं उनको बता चुका हूँ और उनको ट्रेनिंग मिल चुका है कि किस तरह कलर कॉम्बिनेशन लेना है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप क्या क्या ऐसे करना है। तो ये कैनवास अभी मैं आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स कैनवास पेंटिंग आपके सामने है, इजी है। स्टूडेंट्स इधर देखो, आज का जो एक्टिविटी था कैनवास पेंटिंग आपको अच्छा लगा? Yes, तो आज जो चीज आप यहां से सीखे वो अगर आप बाद में ट्राई करना चाहोगे और दूसरा कुछ कंपोज करके भी आप कर सकते हो। मैं आपको प्रोसेस बता दिया और सबको नॉलेज मिल गया होगा कैनवास पेंटिंग एटलीस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। और यहाँ पूछेंगे, हेलो कैसा लगा? ये आप देख सकते हैं आज जो एक्टिविटी चल रहा था सेंट जेवियर्स हाई स्कूल गैलरी नंबर 5 बाराबटी कटक, और आज के जो स्टूडेंट्स थे वो स्टैंडर्ड 7 के थे। इनका आज एक्टिविटी चल रहा था कैनवास पेंटिंग, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम कैनवास पेंटिंग ट्राई किया और एक लैंडस्केप बनाया कैनवास के ऊपर। और ये जो एक्टिविटी था
ये कोकियो कैमलिन की तरफ से एक फ्री ट्रेनिंग वर्कशॉप था। आज पूछेंगे स्टूडेंट्स, आप सबको ये एक्टिविटी कैसा लगा? तो आपको एक नया चीज सीखने को मिला। थैंक यू।